दोस्तों फिलहाल तो थालापति विजय की फिल्म लियो बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके अब तक के कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। ये फिल्म वर्किंग डे पर जो कमाई कर रही है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि फिल्म ने अपने छुट्टियों के दिनों में जो फायदा उठाया दशहरा की छुट्टियों का, सैटरडे और संडे का, लेकिन उसके बाद जब वर्किंग डे आता है तो ये फिल्म कमाई करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती। और यही वजह है कि लियो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब तेजी से आगे बढ़ रही है और बड़ी बड़ी फिल्मों को भी ये फिल्म पीछे छोड़ती जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा 19 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फिल्म को रिलीज हुआ सिनेमाघरों में 12वां दिन चल रहा है, यानी कि सिनेमाघरों में फिल्म ने पूरे 11 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं लियो फिल्म अपने पहले 11 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाडा, मलयालम सभी भाषाओं में, और वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, और आज अपने 12वें दिन यानी कि वर्किंग डे पर यह फिल्म कितनी कमाई करने वाली है। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप थालापति विजय को एक बेहतरीन नेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म लियो की तो इस फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है। अपने रिलीज से पहले जितना क्रेज फिल्म लियो के लिए था और अपने रिलीज से पहले ही फिल्म लियो ने जो बस अपने लिए बनाया था वो वाकई काबिले तारीफ और शानदार था, और यही वजह है कि फिल्म के रिलीज होने के बाद जो फिल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। अब दोस्तों यहां पे लियो फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की मैं बात करूं तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसका फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसको प्रोड्यूस किया था SS ललित कुमार ने। फिल्म में हमें थालापति विजय के साथ तरीशा और संजय दत्त अहम किरदार में नजर आई थी। फिल्म के अगर बजट की बात करूं तो काफी हाईफाई बजट था फिल्म का, लगभग 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बजट में इस फिल्म को बनाया गया था। लेकिन फिलहाल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो परफॉर्मेंस दिखाई वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि अगर मैं साउथ की फिल्मों की 500 करोड़ी फिल्मों की बात करूं तो कुछ गिने चुने नंबर में ये फिल्म आ चुकी है। मैं आपको बताता चलूं कि 6वां नंबर अभी तक बॉलीवुड की और साउथ की जितनी भी फिल्में बनी है, अगर खास करके मैं साउथ की बात करूं तो साउथ में अब तक जो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्में हैं, 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्में हैं, उन फिल्मों में लियो फिल्म का नंबर 6वें नंबर आ चुका है। ये आप समझ सकते हैं कि लियो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर किस कदर तूफान मचा रही है। अब अगर मैं बात करूं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो अपने पहले दिन फिल्म ने 64 करोड़ 80 लाख रुपए पूरे इंडिया से नेट कमाए थे, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 148 करोड़ 50 लाख रुपए का रहा था। फिल्म को मिला था 4 दिनों का वीकेंड और अपने चौथे दिन यानी कि पहले संडे को फिल्म का कलेक्शन था 41 करोड़ 55 लाख रुपए, और अपने 4 दिनों के वीकेंड पर फिल्म 181 करोड़ 40 लाख रुपए इंडिया से करने में कामयाब रही थी। वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 364 करोड़ रुपए था। उसके बाद 10 दिनों की जो टोटल कमाई थी लियो फिल्म की, ऑफिशियली आपको बता रहा हूं क्योंकि 10वें दिन फिल्म का दूसरा सैटरडे था, तो 10वें दिन फिल्म ने कमाए थे 15 करोड़ रुपए। ऑफिशियली आपको बता रहा हूं 10वें दिन फिल्म का पूरे इंडिया से 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा था। तो फिल्म की जो 10 दिनों की टोटल कमाई थी पूरे इंडिया से, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाड़ा, मलयालम सभी भाषाओं में 10 दिनों में जो टोटल कमाई थी वो हो गई थी 286 करोड़ 90 लाख रुपए। जा दोस्तों 286 करोड़ 90 लाख रुपए। तमिल से फिल्म ने 230 करोड़ रुपए कमा लिए थे, तेलुगु से फिल्म ने 36 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई ली थी, हिंदी भाषा में फिल्म ने 19 करोड़ 20 लाख रुपए कमा लिए थे और कन्नड़ा से फिल्म ने कमाए थे 1 करोड़ 30 लाख रुपए, और कुल मिला के 10 दिनों में पूरे इंडिया में 286 करोड़ 90 लाख रुपए फिल्म करने में कामयाब रही थी। वहीं फिल्म का इंडिया में जो ग्रॉस कलेक्शन था वो 338 करोड़ रुपए हो चुका था, ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 171 करोड़ रुपए, और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में अपने पहले 10 दिनों में ये फिल्म 509 करोड़ रुपए कर चुकी थी, जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन आप कह सकते हैं। 11वें दिन यानी कि फिल्म का दूसरा संडे, दोस्तों भरपूर फायदा उठाया फिल्म ने इस दिन का। फिल्म की कमाई रही पूरे इंडिया से 17 करोड़ रुपए की, और आज बात करूंगा मैं 12वें दिन की, तो आज वर्किंग डे है लेकिन फिल्म आज भी पीछे नहीं रहने वाली है और फिल्म आज भी लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए आज भी पूरे इंडिया से कमा रही है। तो फिल्म की जो 12 दिनों की टोटल कमाई है वो 308 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रही है, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में अपने पहले
पहले 12 दिनों में 540 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको कैसी लगी है फिल्म लियो, कमेंट में जरूर बताइए।